कितने मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम फीस में भर्ती होंगे, प्रश्न उस बात का है। उसको जब तक आप इसका जानकारी नहीं लेंगे, एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष जी से और हमारे एआईसीसी के प्रभारी से मेरी प्रार्थना है कि आप बच्चों को डंडा पड़वाना बंद करो। कोई मतलब नहीं, बेचारे डंडे खाते हैं और उन पर केस बन जाते हैं, और केस बनने के बाद अगर कहीं नौकरी भी मिल गई तो उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। माइंड गेम खेलिए। माइंड गेम क्या होता है? जो आरएसएस खेलती है, घर में जाकर कानाफूसी, घर में जाकर उनके प्रभावित लोगों से चर्चा, क्योंकि आरएसएस तीन चीजों में विश्वास करती है। पहले पर्चा, मतलब पहले पर्चा बांटेंगे, फिर करेंगे चर्चा, और फिर करेंगे खर्चा। इसको जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक संघ से नहीं लड़ सकते। संघ का सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है मध्य प्रदेश में? दिग्विजय सिंह। क्योंकि मैं संघ को उनसे ज्यादा जानता हूं और उनके बहकावे में नहीं आता। मेरे घर में भी आते हैं, बड़ी मीठी बात करेंगे, आप दिग्विजय सिंह महान है, आप क्यों ऐसा कहते हैं? मैंने कहा यार चाय पियो और घर वापस जाओ। बात यही है, आज इस देश को जिस मानसिकता से हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव को, जिस प्रकार से देश के हमारे विभिन्नता के एकता को ये बिगाड़ रहे हैं, हम तो आपसे ये भी कहेंगे श्रीमान। कई लोग कांग्रेसी मुझे आके कहते हैं कि साहब संघ के खिलाफ मत बोलिए। अगर क्यों ना बोले, तुमको अगर बुरा लगता है तो तुम मत बोलो। मेरी लड़ाई वैचारिक है, विचारधारा की लड़ाई है। जो हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ेगा मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जितना अन्याय हो रहा है उसी के साथ मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, सिखों के साथ भी हो रहा है। देश का हर नागरिक इस देश का वासी है, नागरिक है, और उसको भारतीय संविधान में हर अधिकार उसका है। इसलिए आप मेरी प्रार्थना है मेरे कांग्रेस के भाइयों बहनों, और मेरी बहनों से विशेष तौर पर, अरे लाडली बहना से हम नहीं लड़ पाएंगे, आप ही को लड़ना पड़ेगा। ये लाडली बहना जो है ना, ये हम ही लोगों ने सुझाव दिया था, जो मामा जी ने पकड़ लिया और वे आज यहां से वहां पहुंच गए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वही एग्जाम लीक, पहले व्यापम अब आ गई नीट। तो साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, संघर्ष हमारा जीवन है। ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। लोग बाग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं साहब क्या करें। मैंने कहा देखो, लड़ना है। अभी आपने ठीक किया कि आपने सबसे लड़ने के लिए उनसे सहमति मांगी, और सजी ने सहमति जो दिखाई है, लेकिन सहमति के साथ साथ जमीन पर भी उतरना पड़ेगा। और जमीन पर आपको कोई कानून तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइंड गेम खेलने की जरूरत है। जहां बैठो वहां चर्चा करो इनकी बेईमानी की, इनकी भ्रष्टाचारी की, और इनकी दलाली की। जब तक वो नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कहता हूं, मुझ पर आरोप लगता है दिग्विजय सिंह मुस्लिम परस्त है। मैं ना हिंदू परस्त हूं ना मुस्लिम परस्त हूं, मैं भारतीय परस्त हूं। हर देश का नागरिक को उतना अधिकार है जितना भारतीय संविधान में लिखा है। इसलिए साथियों, नीट की लड़ाई सड़कों पे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रभावित परिवारों के, इन प्रभावित परिवारों के घर पे जाकर उनसे चर्चा करो, ये हमारी आवश्यकता है।
नहीं आप चिंता मत करो, वो अपना पुराना साथी है, वो आंदोलन प्रदर्शन में हमेशा साथ आता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप तय कर लो, पता लगा लो, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कौन कौन परिवारों के बच्चों ने मध्य प्रदेश के नीट एग्जाम दिया, कौन कौन उसमें सफल हुए, 50% जिन्हें मार्क्स मिले। आप जो उनको 50% से आप भी कम मिले उनसे बात करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं, उनसे तो कहो कि आप सेकंड राउंड लो, लेकिन इस पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत सारे मेरे सुझाव हैं, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ही गड्ढा बना हुआ है। अभी यूपी के भाजपा के सरकार में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, यूपी के भर्ती में जो एजेंसी लगाई गई वो गुजरात की एजेंसी थी, और वहां पर उसके पकड़े गए और वो भाग गया। जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अभी सब इंस्पेक्टर 1200 की भर्ती को हुआ, पहले ऑफलाइन हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर ऑनलाइन किया, उसके अंदर उस कंपनी को ठेका दिया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड थी। मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन जितनी भी कंपनी को ठेका दिया जाता है, अधिकांश, मैं तो कहूंगा 100% ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया जाता है, क्योंकि वो घपला करने में माहिर है, और घपला करने में माहिर जो है उन्हीं को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को व्यक्ति चाहिए जो खाए और खिलाए। बात यही है, आज इस देश को जिस मानसिकता से हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव को, जिस प्रकार से देश के हमारे विभिन्नता के एकता को ये बिगाड़ रहे हैं, हम तो आपसे ये भी कहेंगे श्रीमान, कई लोग कांग्रेसी मुझे आके कहते हैं कि साहब संघ के खिलाफ मत बोलिए। अगर क्यों ना बोले, तुमको अगर बुरा लगता है तो तुम मत बोलो, मेरी लड़ाई वैचारिक है, विचारधारा की लड़ाई है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ेगा मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जितना अन्याय हो रहा है उसी के साथ मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। आप सब ने इस गर्मी के अंदर बैठकर आज कांग्रेस का समर्थन किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।